विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व संत समाज की ओर से एक FIR दर्ज करने की सूचना सिटी थाना प्रभारी को सौंपी गई। जानकारी देते हुए जिला प्रचार प्रमुख राजेश अरोड़ा ने बताया कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करने, हिंदुओं की आस्था श्रद्धा व भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा समाज के बीच द्वेष व नफरत फैलाने, हिंदू समाज की भावनाओं को भड़काने के विरोध में एक शिकायत सिटी थाना में थाना प्रभारी सतीश कुमार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व धर्मनगरी के संत समाज की ओर से सौंपी गई है, जिसमें मांग की गई है कि पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास उनके द्वारा रचित ग्रंथ श्री रामचरितमानस के बारे में पिछले कुछ दिनों से विभिन्न टीवी चैनलों व सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। इससे हमारे ऋषि मुनियों व ग्रंथों का अपमान हो रहा है। हिंदू समाज के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। ऐसे भड़कीले बयान देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाए। शिकायत दर्ज कराने वाले शिष्टमंडल में साधु समाज की ओर से वात्सल्य वाटिका के संस्थापक स्वामी हरिओमदास प्रिवाजक, स्वामी वासुदेवानंद, स्वामी जनार्दन दास व अन्य कई संत समाज के लोगों के अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रेम नारायण अवस्थी, राकेश शर्मा, दर्शन गुलाटी, भारत बंसल, राजेंद्र भारद्वाज, समाज सेवी सतीश राणा, रोहतास सैणी, नागेंद्र सीकरी, शुभम बागड़ी, राजेंद्र सैणी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम सब एकत्रित सामने हैं आपके, जो रामायण की चौपाइयों पर जहाँ जहाँ इन्होंने प्रहार किया है, रामायण के मारे एक जीवनी है, आदर्श है हमारा रामायण ग्रंथ है, उसके ऊपर मौर्य ने जो कमेंटमेंट दिए हैं वो बहुत गलत है, इससे हम बहुत दुखी हैं। इसको लेकर के हम आज सब एकत्रित होकर के यहाँ एसएस ऑफिस में आए हैं, उस पर एफआईआर करने हमने प्रयत्न किया। धन्यवाद। तो और ये मुकदमा दर्ज होता है पूरे देश में जैसे हो रहे हैं, तो उनके कोई प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे या विरोध करेंगे? कुछ प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, हम जहाँ तक जहाँ से जहाँ जाएंगे, जहाँ तक है लड़ेंगे उनसे। हम अपने धर्म पे प्रहार हो रहा है, इसको सहन नहीं करेंगे। अवस्थी जी आप बताएं कुछ। रामचरितमानस सर्वमान्य ग्रंथ है और ये समाज को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। कुछ विघटनकारी जो शक्तियाँ हैं देश में समाज को बांटना चाहती हैं, उनके हम मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। और हमारे पूज्य संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी। और आज हम कुरुक्षेत्र सिटी थाने में ये FIR दर्ज कराने आए हैं, जो ऐसे लोग हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है और वहाँ का शिक्षा मंत्री है बिहार का, और कर्नाटक के भी भगवान दास नाम की किसी व्यक्ति ने गलत टिप्पणी की है। हमारे प्रभु राम आराध्य हैं, हिंदुओं के जंजर में बसते हैं, और हमें रामायण से, रामचरितमानस से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। इसलिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को कहना चाहता हूँ कि तू रामचरितमानस का अध्ययन कर ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जो तू राजनीति के चक्कर में गलत टिप्पणियाँ देता है, और यहाँ पर हिंदू समाज में, अपने हिंदू संगठनों में बहुत बड़ा आक्रोश है, और हम इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।